तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ऐसा कुछ मैंने गैजेट परचेस किए जिसका कीमत है 500 रुपीज और उसको मैंने परचेस किया ओनली 99 रुपीज, और ऐसा भी कुछ गैजेट है जिसका कीमत होगा 399 रुपीज और इसको मैंने परचेस किया ओनली 49 रुपीज, और ये गैजेट डिलीवर भी हो चुका है। और इस तरह से सस्ता गैजेट आप भी मंगवा सकते हो। देखो इसका भी एक ट्रिक है जो इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा, तो बस आप लोग को करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप में बता दूंगा कैसे इस तरह की सस्ता गैजेट मंगवाना है। और वो छोड़ो, आज का गैजेट आपको कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट करके बता देना। साथ में आप लोगों का सपोर्ट का भी जरूरत है, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस तरह के अमेजिंग गैजेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नंबर 1 ये रहा हमारा सबसे पहला गैजेट, और इस गैजेट को परचेस किया है ओनली 99 रुपीज में, जिसका एक्चुअल प्राइस है 250 रुपीज। सो दिस इज 8-in-1 गैजेट, एक गैजेट में आप 8-8 काम कर सकते हो, तो ये काफी यूजफुल गैजेट है, इसलिए इस वीडियो में इंक्लूड कर। तो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, इसमें मल्टीपर्पज स्क्रू ड्राइवर दिया गया है, साथ में एक टॉर्च लाइट भी है, तो आपके अकॉर्डिंग इस गैजेट को यूज कर पाओगे। तो इस गैजेट को कैसे यूज करना होता है, सो इस गैजेट के अंदर टोटल 8 स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, साथ में एक टॉर्च लाइट भी मिल जाता है, जिसे रात में काम करने में काफी ईजी रहेगा। और इस गैजेट के अंदर एक हिडन स्क्रू ड्राइवर है, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे यूज करना है। तो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, पूरा चारों ओर से यूज कर पाओगे, और जो भी स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है आप कुछ इस तरह से निकाल के यूज कर सकते हो, और यूज हो जाने के बाद फोल्ड करके रख सकते हो। दोस्तों सबसे पहले अगर इस गैजेट में टॉर्च लाइट की यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इस रेड वाला पार्ट को ओपन कर लेना है, और 3 सेल की जरूरत होगा जो इसके अंदर डालना होगा। अभी टॉर्च लाइट ऑन करने के लिए ऊपर की साइड में एक स्विच मिलेगा, इस स्विच को दबाना है और इस तरह से लाइट ऑन हो जाएगा, तो ये रात में काम करने में काफी मजा आने वाला है। और दोस्तों यकीन मानो ये लाइट काफी ज्यादा ब्राइट करता है, यहाँ पे लगभग 6 लाइट मिल जाता है, साथ में हमें 8 कैटेगरी की स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है जो आपके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। इस गैजेट के अंदर एक हिडन स्क्रू ड्राइवर है जो बहुत ही छोटा साइज का है, सो इस गैजेट के अंदर एक पार्ट मिलेगा, इस पार्ट को कुछ इस तरह से निकाल दो, और निकालने के बाद यहाँ पे स्क्रू है, तो स्क्रू को इस कैप को निकालना है। कैप को जैसे निकाल दोगे देख सकते हो ये काफी छोटा साइज का एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, जिसको आप काफी छोटा छोटा पार्ट में यूज कर पाओगे। यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी और एक स्क्रू ड्राइवर है जिसको आप अदर काम में यूज कर सकते हो। सो कुछ इस तरह से निकाल दो, और निकाल के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से लगाना है, यूज हो जाने के बाद फिर से इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हो। सो इस गैजेट में और ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, मैं सारे डिटेल्स में बता दिया। अगर आप लोग यूज करना चाहते हो डेफिनेटली गाइस इस गैजेट को यूज कर सकते हो, ओनली 99 रुपीज में इसको बाय किया, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस है 250 रुपीज। अगर आप लोग 99 में बाय करना चाहते हो, तो इसका भी एक ट्रिक है जो मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइस अभी नेक्स्ट गैजेट की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट गैजेट भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। नंबर 2 ये रहा इस वीडियो का नेक्स्ट प्रोडक्ट, और इस गैजेट को मैंने परचेस किया ओनली 99 रुपीज में, बट ये प्रोडक्ट मैंने फ्रीडम सेल के टाइम परचेस किया इसलिए इतना सस्ता पड़ गया, लेकिन इस गैजेट का एक्चुअल प्राइस है 150 रुपीज। तो फटाफट देखते हैं इसके अंदर है क्या चीज, और 99 रुपीज में पैक ऑफ 6 आ चुका है, तो मेरा फायदा ही फायदा हो चुका है। और दोस्तों इस गैजेट से अपने दोस्तों के साथ प्रैंक भी कर सकते हो, और ये रहा हमारा गैजेट देख सकते हो, पैक ऑफ 6 आ चुका है ओनली 99 रुपीज में। चलो इसको साइड में रखते हैं। बेसिकली दोस्तों इस गैजेट के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बस अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने के लिए काम आ जाएगा, तो फटाफट निकाल लेते हैं। कौन सा निकालो, इसको निकाल लेते हैं, जो कोई भी निकाल लो, सारे के सारे सेम है। बेसिकली दोस्तों ये स्केच पेन की तरह है, बट यहाँ पे दाग नहीं दिखाई देगा, इस पेन से जब लिखोगे दाग इनविजिबल रहेगा, विजिबल करने के लिए यहाँ पे एक लाइट दिया गया है, इस लाइट से जैसे दिखोगे सारी की सारी विजिबल दिखेगा। तो अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो, तो देख सकते हो इस पेन का दाग पूरा की पूरा इनविजिबल है, तो आपको विजिबल करने के लिए इस लाइट से आपको देखना होगा। सो गाइस देख सकते हो मैंने जो भी लिखा यहाँ पे विजिबल हो चुका है, लाइट ऑफ करने के बाद देख सकते हो इनविजिबल हो चुका है। गाइस देख सकते हो दूसरा लाइट से विजिबल नहीं हुआ है, अगर अपन इस लाइट से देखे देख सकते हो ये विजिबल हो चुका है। सो गाइस इस पेन का पावर देख सकते हो, जैसे इस पेन की लाइट से ही मैंने देखा विजिबल हो चुका था, बट यहाँ पे दूसरा लाइट से देखा बट विजिबल नहीं हुआ था। सो इस इनविजिबल पेन का पावर तो देख ही चुके हैं। तो ये गैजेट भी मुझे सही लगा, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा प्रैंक वगैरह करना चाहते हो, या फिर अपने किड्स को कुछ सिखाना चाहते हो, तो आप इस गैजेट को बाय कर सकते हो, बहुत ही सस्ते में आ जाएगा। और ये रहा इस वीडियो का नेक्स्ट गैजेट, और ये गैजेट पर्सनल यूज के लिए गया, बट उससे पहले हम चेक करते हैं ये कितना काम का है। कटर कहाँ है, ये रहा मिल गया, ये लास्ट वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में काम आ गया, काफी यूजफुल गैजेट है। नहीं चलो फटाफट निकाल लेते हैं, भाई काफी धार है यार, साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा गैजेट, यूज कैसे करेंगे पे, वाओ
अमेजिंग, बट यूज करने के बाद ही पता चलेगा ये कितना अमेजिंग है। तो गाइस ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये तीन पार्ट हमारा गैजेट मिल जाता है। तो हम इस गैजेट को कैसे यूज कर सकते हैं? सो बेसिकली गाइस ये जूस मेकर है और हम काफी जगह में इस गैजेट को यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कप मिल जाता है, इसको जार भी बोल सकते हो, और ये कप भी है साथ में जूस मेकर भी है। यहाँ पे बहुत सारा थ्रेड्स वगैरह है और यहाँ पे भी काफी सारा थ्रेड्स है, साथ में नेट्स भी है। और गाइस जूस मेकिंग के लिए हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, दो तरीके मैं आप लोग को दिखाऊंगा, एक तो ऑरेंज वगैरह जूस करने के लिए और दूसरा तरीके से एनी टाइप का फ्रूट जूस कर सकते हो। और जैसे कि मैं पहले ही बोला था, इस गैजेट को एज ए कप भी यूज कर सकते हो। इस ढक्कन को ओपन करने के बाद देखो, ये एक कप की तरह भी यूज कर सकते हो। इवन गाइस जूस भी यहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ पे जितना भी पार्ट देख पा रहे हो सारे यूजेबल पार्ट है। तो फटाफट हम अभी जूस करके देखते हैं ये जूस मेकिंग करता है या नहीं। सो हमने थोड़ा सा पाइनएप्पल काट के लाया, आइए देखते हैं जूस बनता है कि नहीं। सबसे पहले हम इस पार्ट को लेंगे और इस पार्ट को इस तरह से रखना होगा और यहाँ पे फ्रूट्स रखेंगे और इस पार्ट से प्रेस करना होगा। देखो ये मशीन नहीं है, थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा। जूस तो बन रहा है, अभी तो जूस शॉप में जाना नहीं पड़ेगा। चल भाई एक जूस शॉप खोल लेते हैं। भाई सोचा था यूट्यूबर बनूंगा बट सब्सक्राइबर तो आ नहीं रहा, अभी जूस शॉप ही खोलना पड़ेगा। भाई बहुत सही गैजेट है यार, कितना निकल गया? 150 ml। ये खा सकते है क्या? हाँ ये भी तो खा सकते है। तो पूरा 150 ml निकाल चुका है। वीडियो बाद में बनेगा, पहले खा पी लेते, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा आप भी पी लो। सो गाइस ये गैजेट मुझे यूजफुल लगा, जूस तो बना लेता है, कभी कभार तो महंगा महंगा गैजेट भी जूस नहीं बना पाता, बट ये सस्ता गैजेट काफी अच्छी तरीके से जूस बना दिया है। और गाइस अगर आप लोग ऑरेंज वगैरह के जूस बनाना चाहते हो, बस इस पार्ट को यूज करना और इस पार्ट को यहाँ पे रख देना है कुछ इस तरह से। तो गाइस ये गैजेट मुझे अल्टीमेट लेवल का लगा, अगर आप लोग बाय करना चाहते हो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बहुत ही सस्ते में ये गैजेट आ जाएगा। सो ये रहा इस वीडियो का नेक्स्ट गैजेट और ये गैजेट पर्सनल यूज के लिए लाया और ये गैजेट आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद अगर है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं इसके अंदर है क्या चीज। तो ये रहा हमारा गैजेट, कुछ इस तरह से मिल जाता है। बहुत सारा लोग इस गैजेट को यूज करता है, सो इसलिए मैंने भी मंगवा लिया, देखते हैं काम का है नहीं। तो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। पहले इस मोर को खोल लेते हैं और खोलने के बाद काफी लंबा है यार, इस गैजेट से स्किपिंग भी कर सकते है क्या? उतना तो है नहीं। इतना तो ये काम का गैजेट है, काफी मजबूत लग रहा है ये और काफी फ्लेक्सिबल भी है। दोस्तों कभी कभार हमारा घर का पाइप में इतना ज्यादा जाम हो जाता है तो उसको साफ करना भी मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में हमारा ये गैजेट काम आने वाला है। इस गैजेट का जितना भी लंबाई है इसके बीच में अगर पाइप जाम हो गया उसको आप इजिली साफ कर सकते हो। किसी भी टाइप की पाइप को आप आराम से साफ कर सकते हो। पाइप में मिट्टी या फिर हेयर या फिर कोई सा भी कूड़ा घुस गया तो उस टाइम इस गैजेट को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और ये गैजेट काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, पाइप जितना भी टेढ़ा मेढ़ा मुड़ी हुई हो ना तो ये गैजेट पाइप को साफ करके निकल सकता है। तो इस गैजेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? देखो इसको यूज करना काफी ज्यादा सिंपल है। तो इस गैजेट को यूज करने के लिए आपको दो चीज मिल जाता है, एक तो पीपी हैंडल मिल जाता है और दूसरा है माउंट मिल जाता है। तो आपको यूज करने से पहले आपको इस तरह से पकड़ना है और इस हैंडल को इस तरह से प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो देख सकते हो इस माउंट से ये चार ग्रिप निकल के आ चुके हैं। अभी दोस्तों पाइप में डाल सकते हो या फिर पाइप में डालने के बाद भी प्रेस कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग यूज करना है, आप जैसे यूज करना चाहते हो। तो इस हैंडल को इस तरह से छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिक देख सकते हो कुछ इस तरह से अंदर घुस जाएगा, जो भी कचरा होगा इसके अंदर ले जाएगा और सीधा बाहर निकाल के ले आ सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली गाइस इस तरह से यूज करना है इस गैजेट को और ज्यादा कुछ है नहीं। तो अगर आप लोग को ये गैजेट की जरूरत है डेफिनेटली गाइस इस गैजेट को कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से इस गैजेट को यूज करना होता है, अगर आप लोग को चाहिए जरूर इस गैजेट को बाय कर सकते। तो गाइस अब नेक्स्ट गैजेट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों ये गैजेट आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। गाइस आप लोगों ने बहुत सारा क्लॉक देखे होंगे लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक अतरंगी क्लॉक दिखाने वाला हूं जो कि प्रोजेक्ट करता है। दोस्तों टाइम देखने के लिए क्लॉक में देखना नहीं होगा, बस हवा में देखो आपको टाइम पता चल जाएगा। ये क्या है? सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट ओपन इट। भाई ये तो जबरदस्त गैजेट है, ये तो स्टार वार के रोबोट की तरह लग रहा है। अरे ये तो घूम रहा है। ये है इस गैजेट का प्रोजेक्टर, इस प्रोजेक्टर की वजह से टाइम ऊपर दिखाई देगा और इस क्लॉक का डिस्प्ले भी है। विदाउट प्रोजेक्टर भी आप टाइम इस डिस्प्ले में देख सकते हो। इस गैजेट में चार बटन देखने को मिल जाता है, एक आवर के लिए, एक मिनट के लिए और एक मोड बटन दिया गया है और एक स्पीकर के लिए स्विच भी मिल जाता है। यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाएगा जो टाइम एंड टेम्परेचर स्पीकर में सुनाई देगा और आप इस क्लॉक को डीसी से भी चला सकते हो। लेकिन
हमें कोई वायर नहीं मिला। या फिर आप इस गैजेट को 3 सेल से भी चला सकते हो। जैसे बैटरी इंसर्ट करोगे टाइम शो हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोजेक्टर भी ऑन हो जाएगा। अभी ये प्रोजेक्टर तो काम कर रहा है बट ये दिन की वजह से प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा है। जब रात हो जाएगा ऑटोमेटिक ये प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ टाइम शो हो जाएगा, जो टाइम यहाँ पे शो होगा। साथ में इस क्लॉक में टेम्परेचर भी शो करता है। इवन दोस्तों इस गैजेट के अंदर अलार्म भी सेट कर सकते हो। बस इस मोड बटन को दबाना है और आपको किस टाइम पे अलार्म सेट करना है बस यहाँ पे सेट कर देना है। तो ये टाइम सेट हो जाने के बाद मोड बटन पे क्लिक करो और ये जैसे टाइम आ जाएगा अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर यहाँ पे एक स्पीकर है, स्पीकर को ऑन रखिएगा। सो गाइस ये गैजेट मुझे अमेजिंग लगा, आपको कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर।